मेरी हमारी एडसेंस पिन आ चुकी है, हालांकि हमारा पोस्टल कोड गलत था। इस वीडियो का बुनियादी मकसद यह है कि रहबरी रहनुमाई की जाए कि अगर आपका पोस्टल कोड गलत भी है एडसेंस पिन का तो वो आ सकती है। तो मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है वह ये कि एडसेंस पिन के लिए जो वो एड्रेस मांगे आपका एड्रेस ठीक होना चाहिए। मेरा एड्रेस, होम एड्रेस सब कुछ ठीक था, पोस्टल कोड मेरा गलत, मेरा सिटी मुल्तान है तो मुल्तान का है 60,000 पोस्टल कोड। मैंने डाला 66,000 गूगल पे सर्च करके, अभी भी आप देख सकते गूगल पे लिखे जिप कोड या पोस्टल कोड ऑफ मुल्तान तो 66,000 ही आएगा। मेरा कोड था 66,000, वो बनता है सिंध पिरियोल नाम की कोई जगह है। अपनी सारी डिटेल्स जो है वो मैंने एडसेंस पिन में डाल दी, अपना होम एड्रेस, सिटी, कंट्री तो पाकिस्तान है ऑलरेडी, वो चेंज नहीं हो सकता, और मैंने दो एड्रेसेस डाले थे। तो अपनी इन्फॉर्मेशन मैंने डालने के 3 हफ्ते बाद देखा तो पोस्टल कोड गलत निकला। तो टेंशन थी कि यार मेरा पोस्टल कोड गलत है, अब क्या सीन बनेगा। तो मैंने अपने बावसूद राय से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल पोस्ट होती हैं वो आती हैं सबसे पहले कंट्री पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में आएगी वो कराची में वो देखते हैं सिटी। अब मेरा सिटी मुल्तान है तो वो मुल्तान तक आएगी, मुल्तान के बाद वो देखते हैं पोस्टल कोड। अगर पोस्टल कोड आपका गलत है तो वो एड्रेस के हिसाब से आपका पोस्टल कोड खुद ही करेक्ट कर देते हैं। और उस पोस्टल कोड का बुनियादी मकसद यह है पोस्ट ऑफिस जो आपके एरिए के करीब है। लेकिन ये हुआ कि मैंने जो दो एड्रेसेस डाले, अब जब आपकी सिटी में आएगी तो सिटी के जीपीओ में आएगी, जो जनरल पोस्ट ऑफिस है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जनरल पोस्ट ऑफिस में आएगी उस सिटी के। पहले वो आएगी कंट्री के बाद वो आएगी सिटी, और सिटी के जनरल पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तानी पोस्ट का जो जनरल पोस्ट ऑफिस होगा सिटी का मेन, उसमें आएगी। अब जो आगे मज़े की बात वो ये हुई कि मेरे थे दो एड्रेसेस, एक एड्रेस का ताल्लुक था जनरल पोस्ट ऑफिस के साथ और दूसरे का ताल्लुक था किसी और पोस्ट ऑफिस के साथ। तो वह कुछ इसी तरह के जो मेरा दूसरा एड्रेस था वो पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस के अंडर नहीं आता था, वो किसी और पोस्ट ऑफिस के अंडर आता था। तो जनरल पोस्ट ऑफिस वालों ने ये किया कि उस पोस्ट ऑफिस का स्टैंप लगा के उनको ट्रांसफ़र की, अब तुम डिलीवर करो। और जो मेरे घर आए तो उन्होंने कहा आपने दो एड्रेसेस क्यों लिखे हैं। तो हालाँकि ऑप्शन होती है दो एड्रेसेस की, तो ये वाला मतलब आपके घर तक पहुँचे, अगर आप रिमोट एरिया में वो एक्सेसिबल नहीं होता मेरा कल पोस्ट ऑफिस वालों को, तो इस वजह से वहाँ डिले हो जाती है। मगर मेरा पोस्टल कोड गलत था क्योंकि मुल्तान का 60,000 था, मैंने 66,000 एंटर किया था। मगर टेंशन नहीं लेने का बॉस, आपकी पिन आ जाएगी अगर आपका पोस्टल कोड गलत भी है। ये मैंने कहा चलो राहबरी या रहनुमाई की जाए, क्योंकि मुझे इस तरह का कोई आंसर नहीं मिला। मैंने YouTube पे सर्च किया था अगर पोस्टल कोड गलत भी हो तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, तो मुझे इससे रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मैं सोच रहा था कि चलो शेयर कर लेते हैं एक्सपीरियंस, अपनी आप भी थी शेयर करते हैं। और शुक्रगुजार हूँ कुछ अहम लोगों का भी कि वो आए और मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने में मोटिवेट किया, और अपने इन बेबीज़ का भी, ये जो ग्रीन मेरे बेबीज़ हैं, तो अपने इन ग्रीन बेबीज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मोटिवेट किया मुझे चैनल बनाने के लिए। आता जाता तो कुछ है नहीं, चलो लगे हैं हम भी, तो पैगाम में मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। ये है हमारी गलत पोस्ट कोड वाली एडसेंस पिन जो कि हमारे घर आ चुकी है।